नमस्कार दोस्तों, मैं निशा खान, NI24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में महामंडेश्वर कंप्यूटर बाबा द्वारा लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली गई। जी हां, कंप्यूटर बाबा द्वारा नारा दिया गया, लोकतंत्र हथियारों से देश बचाओ गद्दारों से। कंप्यूटर बाबा के द्वारा सभी विधानसभाओं में लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली गई। यात्रा दतिया भिंड से होकर शिवपुरी पहुंची, जिसमें भारतीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एवं अध्यक्ष मोहित अग्रवाल द्वारा संतों का व कंप्यूटर बाबा का स्वागत किया गया। आपको न्याय मिलेगा ऐसे विरोधियों के खिलाफ जिन्होंने अन्याय किया है। भू माफिया और नर्मदा मैया को खनन माफिया जो माँ की गोप को मतलब खाली करने का काम कर रहे हैं। आज देखिए, आप आज भी गोलियां चली है। ये खनन माफिया निडर होकर घूम रहे हैं कि हमारा कौन कुछ क्या बिगाड़ लेगा। कमलनाथ सरकार ने 5 महीने के अंदर, 15 महीने की सरकार के अंदर कंप्यूटर बाबा ने कितनी फोकलेन मशीनों को पकड़ा, अवैध खनन को रोका और कितने ही मंत्रियों ने सरकार ने काम किया, लेकिन इन माफियाओं ने पैसे की सौदेबाजी कर इन कट्टरों के माध्यम से हमारे अरमानों को, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। उस स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, इसलिए हम ये लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। और इन सब कांग्रेस कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी विधानसभा के वोटर है और जितने भी विधानसभा है, वो कंप्यूटर बाबा के साथ में ये संत की मंडली जाएगी और लोकतंत्र बचाओ यात्रा का हम लोग नारा लगाएंगे। हम लोग कहेंगे कि लोकतंत्र के हत्यारों को देश बचाओ गद्दारों से, लोकतंत्र हत्यारों से देश बचाओ गद्दारों से। जिस प्रकार हम प्राचीन काल से देखते और सुनते आ रहे हैं कि साधु संतों ने हमेशा धर्म और मानवता की रक्षा की है, उसी क्रम में आप हमें पहले पिछले इंटरव्यू में बता चुके हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या आप हमारे दर्शकों को पुनः बताएंगे कि लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार हो रही है? देखिए, जो विधानसभा में बहुमत की सरकार होती है, जनता ने कांग्रेस की विचारधारा को 5 साल के लिए चुना था, परंतु बीच में भारतीय जनता पार्टी शिवराज ने तोड़ मरोड़ करके, देन लेन करके, खरीद फरोख्त करके और विधायकों को तोड़ा। और विधायक भी जो है 25 गद्दार विधायक, उन्हें हम गद्दार कहते हैं, उन्होंने लोगों की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, अधर्म काम किया, हमारे लोकतंत्र को की हत्या कर दी। इसके कारण पूरा संत समाज विरोध करता है। अब धर्म और अधर्म की लड़ाई है, एक तरफ धर्म है और एक तरफ अधर्म है। अधर्म उस 25 गद्दार जो विधायक बन के आएंगे, अभी बोले हैं कि हम विधायक के चुनाव लड़ेंगे, इन जनता इन 25 गद्दारों को, इन बेईमानों को बाहर करेगी, बाहर की रास्ता दिखाएगी और सत्य में चलने वाले, सत्य की राह पर चलने वाले, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, उनको जनता चुनेगी। तो एक तरफ जनता है, धर्म है और साधु संत हैं, और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी है और 25 गद्दार हैं। अब देखिए, चुनाव में इनको पता चलेगा उपचुनाव में कि क्या होने वाला। उपचुनाव को लेकर आपकी क्या राय है और आपने जो यात्रा चलाई है लोकतंत्र बचाओ यात्रा, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिला, क्या सुनने को मिला, क्या आप अपने लोकतंत्र यात्रा में? अभी हम केवल 10 जिले में जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि इन 25 गद्दारों को भगाओ। और हमारी अपील है कि लोकतंत्र हत्यारों से प्रदेश बचाओ गद्दारों से, ये हमारी अपील है। और हम गांव-गांव जा रहे हैं। अब आने वाले समय में 3 तारीख के बाद हम गांव-गांव जाएंगे, शहर-शहर जाएंगे, हर विधानसभा में जाएंगे, इन गद्दारों का चेहरा बेनकाब करेंगे। धन्यवाद।